तो लाल सिंह चड्ढा की कई जगह स्क्रीनिंग रोक दी गई है। लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग को पंजाब में रोकने की कोशिश की गई है। भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। पंजाब के जलंधर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां आमिर खान मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा गुरुवार को रक्षाबंधन के दिन यानी आज रिलीज हुई है। सोशल मीडिया पर पहले ही बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इन तमाम विवादों के बाद पंजाब के जलंधर में पीवीआर ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की स्क्रीनिंग तनाव बढ़ने के बाद रोक भी दी। लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे लोगों का भी अगर देखा जाए तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरीके से क्या कहा जा रहा है ये सुनिए आप। आमिर खान की जिहड़ी मूवी लगी है उसका कारण यह है कि आमिर खान एक हिंदू विरोधी, हिंदुओं के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचने वाला इंसान है। पीके फिल्म के हिंदू धर्म का वह अपमान इस बंदे ने किया, वह धज्जियां उड़ाइया ने साडे समाज दियां, साडे हिंदू धर्म दियां, भगवान भोले शंकर की माता दियां वह धज्जियां उड़ाइया। तुहानू सारा लाइव पता, लाइव यूट्यूब पर सब कुछ चल रहा। साडा विरोध लाल सिंह चड्ढा की फिल्म का नहीं, साडा विरोध आमिर खान और जिहड़े डायरैक्टर प्रोड्यूसर उस वेले नाल सीगे जिन्हां ने षड्यंत्र रचिया हिंदुओं नूं नीवां दिखाउण लई, हिंदुओं दीआं भावनावां नूं आहत करन लई। असीं उहनां दे आमिर खान दे खिलाफ आ, और जिहड़े डायरैक्टर प्रोड्यूसर कोई भी आ असीं चेतावनी दिंदे आ मीडिया दे माध्यम राहीं, कोई भी फिल्म इदां दी पंजाब दे विच आउंदी आ जिहदे विच हिंदू सिख भाईचारे दी बदनाम किया जाता, जां हिंदू सिख भाईचारे नूं नीवां दिखाउण दी कोशिश की जाती है। असी डट के विरोध करांगे, किसी पंजाब के किसी जगह से असी फिल्म लगन नहीं देंगे। अगर कोई नुकसान हुंदा उहदा जिम्मेवार प्रशासन आ, इन्हां नूं असी अल्टीमेट देता फिल्म बंद कर दिओ। अंदर 11-12 बंदे बैठे आ, असी इन्हां नूं कहा साडे कोल 12 बंदे दे पैसे लो, फिल्म बंद करो, बंद करके फिल्म नूं तुसी साडे कोल पैसे लो, पर असी इह फिल्म नहीं लगन दे रही इत्थे। अगर प्रशासन नहीं, असी उन्नी देर तक इत्थों नहीं जाणा जिन्नी देर तक फिल्म बंद नहीं कराई जांदी। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਐਵਲ ਹੀ ਆਈ ਜੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪੀਕੇ 2 ਬਣੀ ਸੀ, 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੀਕੇ 2 ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ 35 ਸੱਟੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਲੱਭੇ ਇਕੱਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आरिफ खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।